अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान डिफरेंस बिटवीन करेंगे। व्हाट आर दी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड व्हाट आर दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेसिकली इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल्स, द बॉन्डिंग फोर्सेज विद इन द मॉलिक्यूल्स, एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर द फोर्सेज इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। दीज आर द बॉन्डिंग फोर्सेज विद इन द मॉलिक्यूल्स। दीज आर द non-bonding forces, or we can say that attractive forces between molecules. They exist within molecules and they exist between molecules. They influence the chemical properties of a compound. Jabke intermolecular forces influence the physical properties of a substance. Examples of intermolecular forces are the metallic bond, ionic bond and covalent bond. Examples are boiling point, vaporization of a substance. Intermolecular forces. Suppose हम example लेते हैं, NaCl is the ionic compound, यानी कि ionic bond की example मैंने यहाँ लिए, it's the ionic compound और ये एक formula unit है, दो atoms यहाँ मिलकर एक formula बना रहे हैं, it is a formula unit. Sodium का atom bonded with the chlorine atom. दो एटम्स ने आपस में मिलकर बॉन्ड फॉर्म किया है, दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। और ये बॉन्डिंग यहाँ मौजूद है दो एटम्स के दरमियान में विद इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दीज आर द बॉन्डिंग फोर्सेज विद इन द मॉलिक्यूल, दीज फोर्सेज आर द इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज। ये एग्जाम्पल थी आयोनिक बॉन्ड की। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं मॉलिक्यूल की, ठीक है। एच टू मॉलिक्यूल इज द एग्जाम्पल ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो है कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। दीज आर द बाइंडिंग फोर्सेज विद इन द मॉलिक्यूल्स, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो फोर्सेज यहाँ मौजूद है, बॉन्डिंग फोर्सेज हैं विद इन द मॉलिक्यूल्स, इज कॉल्ड द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं मेटालिक बॉन्ड की। आयरन शीट इज द एग्जांपल ऑफ द मेटालिक बॉन्ड। दीज आर द बॉन्डिंग फोर्सेज विद इन द मॉलिक्यूल्स, दिस इज द मेटालिक बॉन्ड। एंड मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस विद इन द लैटिस। दिस इज द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज विद इन द मॉलिक्यूल्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज एग्जिस्ट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ ऑल आयोनिक बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल कोवेलेंट कंपाउंड्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज एग्जिस्ट विद इन द लैटिस ऑफ अ शीट ऑफ ऑल मेटालिक कंपाउंड। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज बेसिकली वो फोर्सेज होती हैं जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पाई जाती हैं। They exist between the molecules. Usually exist in the covalent compound. अगर हम एक हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, दिस इज द केमिकल बॉन्ड। और इस बॉन्ड को हम कह सकते हैं ना कि ये जो बॉन्ड है ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज है, ठीक है। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल के साथ कैसे अट्रैक्ट होगा, वहाँ पर जो फोर्स बन रही है, दीज आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेज हैं वो कहलाती हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। एंड दीज आर नॉन बॉन्डिंग फोर्सेज, ये कोई बॉन्डिंग फोर्स नहीं है, ठीक है। ये अट्रैक्टिव फोर्स है जिसने इन दोनों को अट्रैक्ट किया है, और इनकी अट्रैक्शन के दरमियान में जो फोर्स डेवलप हुई है वो कहलाती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अट्रैक्शन हुई है वो हुई है ड्यू टू दी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा होंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।